Hi everyone, <coughs> ready? Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. मैं आ गई हूँ दोबारा. So today's video is going to be H&M haul. और मैं हर एक या दो महीने में ना H&M haul करी लेती हूँ, because मैं ज्यादातर शॉपिंग एच एन एम से ही करती हूँ बिकॉज मुझे उनके कपड़े की फिटिंग ज्यादा अच्छी आती है इस वीडियो में सबसे ज्यादा मैं तुम्हें बेसिक आइटम से दिखाऊंगी और अगर तुम ढूंढ रहे हो बेसिक क्लोदिंग पीसेस अपने लिए इन समर्स के लिए सो तुम इस वीडियो को जरूर देख लेना बिकॉज ये काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है तुम सबके लिए सो ऑफ दिस ब्लैबरिंग गेट नाट एनफिस ब्लेबरिंग एट फर्स्ट आई गॉट दिस वेरी बेसिक सा न्यूड ब्राउन कलर का टॉप और ये ना क्रॉप टॉप है और इसका लुक काफी ज्यादा बेसिक है बट काफी काम आ जाता है मेरे अगर मेरे को कैजुअली ऐसे कहीं बाहर जाना होता है ना तो मैं इसको वेयर कर लेती हूँ डेनिम्स के साथ ये ट्राउजर के साथ भी बहुत ईजिली पैरप हो जाता है सो so, इसलिए मुझे ये टॉप बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इसका प्राइस वाज ओनली थ्री नाइन्टी नाइन रुपीज़ विच इज़ रियली really गुड क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेसिक है एंड प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा सही है तो तुम लोग एक टॉप तो इसको रख सकते हो अपने पास एंड इसमें तुम्हें इस कलर के अलावा आई थिंक पाँच छः कलर के ऑप्शन भी मिल जाएंगे तो तुम वो भी चेक कर सकते हो मैं सोच रही थी कि ना मुझे इसको एक रेड कलर में भी लेना चाहिए था बिकॉज मुझे मेरे पास एक भी टॉप रेड कलर का नहीं है और इसमें मुझे रेड कलर का टॉप बहुत ज्यादा पसंद आया था इसको मैंने साइज एक्सेस में ऑर्डर किया था फिटिंग इसकी एकदम परफेक्ट है इसमें तुम्हें एक्स एक्स एस साइज भी मिल जाएगा बट आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ज्यादा टाइट हो जाता एंड इसमें पूरा ये रिब्ड पैटर्न तुम्हें मिल जाएगा उसके अलावा

ये ना क्रॉप टी शर्ट नहीं है तुम्हें तो लगेगा देखने में कि क्रॉप है बट इसका फिट लाइक इसका जो लेंथ है वो मिड वेस्ट तक आएगा सो so अगर तुम हाई वेस्टेड पैंट्स भी वेयर करते हो या मिड वेस्ट भी तो ये तुम्हें क्रॉप तो नहीं आने वाला है एंड इफ़ यू लाइक वेयरिंग लो वेस्ट बॉटम्स उसके साथ ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा सो so ये काफी बेसिक सा टी शर्ट है बट आई जस्ट लव द कलर ऑफ दिस टी शर्ट ये कलर इतना चटक सा भी नहीं है तो अच्छा लग रहा है और इसको तुम डेनिम स्कर्ट्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो काफ़ी कूल cool लगेगा इसको मैंने साइज एक्सेस ऑर्डर किया था फिटिंग एक एकदम परफेक्ट आ रही है इसमें भी तुम्हें ना ये शॉर्ट स्लीव्स मिल जाएंगे और ये कॉन्ट्रास्टिंग सा शोल्डर मिल जाएगा तो काफ़ी ज्यादा अच्छा लुक है इस टी शर्ट का और इसका प्राइस था सेवन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज प्राइस बहुत ज्यादा सही है अगर तुम बॉन्कर कॉर्नर्स में वो क्रॉप टी शर्ट देखते हो ना उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है क्वालिटी का इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है सो so, तुम अगर वैसी टी शर्ट देखना चाह रहे हो तुम इस टी शर्ट को ट्राई कर सकते हो एंड अगर तुम्हें ये येलो कलर पसंद नहीं आ रहा है इसमें तुम्हें तीन और वाइट कलर के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे तो तुम वो भी चेक कर सकते हो एंड अदर बेसिक थिंग दैट आई गॉट इज़ दिस वाइट कलर का प्लेन बॉडी सूट और इसका फिटिंग इज़ सो गुड आई थिंक अगर जिन्हें जिन लोगों ने भी अभी तक बॉडी सूट्स ट्राई किए होंगे उनकी फ़िटिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट आती है बिकॉज तुम्हें कोई इश्यू नहीं रहता है कि ये टक करोगे तो निकलना चाहे एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट बॉडी सूट एंड इसका फिट इस रियली रियली गुड मैंने इसको साइज़ एक्सेस में ऑर्डर किया था और जब मैंने इसको लिया था ना मैंने इसको सेल से लिया था तब इसका प्राइस 600 के अराउंड था और वैसे इसका एक्चुअल प्राइस ट्रिपल नाइन रुपीज़ है बट अभी इसमें तुम्हें व्हाइट कलर में सारे साइजेस आउट ऑफ स्टॉक मिलेंगे इसमें एक ब्लैक कलर का और एक ब्लू कलर का ऑप्शन भी है बट उसमें बस अभी साइज़ एक्सेस अवेलेबल है तो तुम चेक कर सकते हो अगर तुम्हारा साइज़ है वो एक बेसिक सा बॉडी सूट तो लेना बनता है समर्स में बिकॉज मैं जब भी कंफ्यूज रहती हूँ ना कि मैं क्या वेयर करूँ मैं हमेशा इसको वेयर कर लेती हूँ या मुझे शूट करना होता है या मैं बाहर जाती हूँ मैं इसको पहन लेती हूँ बार बार बिकॉज ये इतना अच्छा लगता है यानी किसी भी बॉटम वेयर के साथ आराम से चला जाता है पूरा फिटेड टॉप है तो इसकी स्लीव्स भी पूरे फिटेड आएंगे एंड इसका ये नेक काफ़ी ज़्यादा वाइड राउंड नेक है तो थोड़ा सा मतलब क्लीवेज का दिक्कत रहता है बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी नाइस टॉप देन आई गॉट दिस वेरी प्रिटी सब पेपलम टॉप एंड गाइस इट इज सो लवली इसका फिट इतना ज़्यादा प्यारा आ रहा है ना मतलब मैंने सोचा नहीं था कि पहनने के बाद ये इतना ज़्यादा सुंदर लग सकता है आई जस्ट लव द फिट ऑफ दिस टॉप एंड इट्स रियली प्रिटी जस्ट लुक एट द डिटेलिंग सो इसमें ना यू विल गेट दिस वी नेक एंड इसके साथ ही यू विल गेट दिस शॉर्ट स्लीव और ये बस्ट पार्ट तक पूरा गैदर्ड रहेगा और इसके नीचे से फ्लेयर्ड पेप्लम डिटेलिंग मिल जाएगी और इस टॉप का प्राइस वॉज ओनली सेवन नाइन्टी नाइन रुपीज़ विच इस तो लेस। ये समर्स में इतना ज्यादा प्यारा लगेगा ना इसको तुम वाइट कलर के लिनन ट्राउजर्स के साथ वेयर कर सकते हो या फिर डेनिम वगैरह के साथ भी स्टाइल कर सकते हो इसको मैंने साइज एक्सेस में ऑर्डर किया था फिटिंग इसकी एकदम परफेक्ट है इसमें तुम्हें दो और कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे इस टॉप की सबसे प्यारी डिटेलिंग है इसकी रॉ एजेस जो कि इसके स्लीव्स और बॉटम पार्ट में है वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है so, सो मैंने बेसिक सा फुल स्लीव टॉप भी लिया था एच एन एम से और इसको मैंने एक दो बार ना वीडियो में वेयर किया था तब से मुझे इतनी ज्यादा क्वेरीज आती है इस टॉप के लिए तो मैंने सोचा मैं इस वीडियो में तुम्हें दिखा देती हूँ तो ये मैंने एच एन एम से लिया था एंड इस सच ए नाइस टॉप पूरा रिप पैटर्न में है टॉप एंड मुझे इसमें ग्रीन और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगा इसमें तुम्हें तो दो तीन और कलर के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे बट सबसे बेस्ट तो मुझे ये ही लगा था एंड इसका प्राइस था ट्वेल्व हंड्रेड प्राइस के हिसाब से क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है स्टॉप की इनफैक्ट इसकी फिटिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है यार इसको मैंने साइज एक्सेस में ऑर्डर किया था मुझे अगर चूज करना हो ना कम्फर्ट या ट्रेंडी पीसेस मैं कम्फर्ट चूज करूँगी एंड दिस टॉप स्क्रीम्स कम्फर्ट इट इज सो गुड मैंने ना बेसिक सा स्ट्रैपी लेस स्ट्रीम टॉप भी ऑर्डर किया था इस टाइप के टॉप में ज्यादातर लेयरिंग करके वेयर करना प्रिफर करती हूँ पर मुझे इसकी डिटेलिंग काफी ज़्यादा पसंद आई थी बिकॉज इसके जो ये स्ट्रैप्स है ना उसमें भी पूरी लेस डिटेलिंग है एंड नीचे ये ट्रिम सा पैटर्न तुम्हें मिल जाएगा तो मुझे ये काफ़ी क्यूट सा टॉप लग रहा था मैंने सोचा मे बी मैं इसको ट्राई कर सकती हूँ किसी ट्राउजर या डेनिम के साथ मैं ऐसे ही वेयर कर लूँ ये टॉप्स ऐसे होते हैं ना अगर मैं इसको ऐसे नहीं वेयर कर पा रही हूँ तो मैं लेयरिंग करके तो वेयर कर ही लूंगी इसीलिए मैंने इसको ले लिया था एंड इसका प्राइस हुआ सेवन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज़ अब प्राइस थोड़ा तुम्हें ज़्यादा लग सकता है बट यार ये टॉप्स काफ़ी ज़्यादा काम भी आता है एंड इसको मैंने साइज एक्सेस में ऑर्डर किया था फ़िटिंग इसकी एकदम परफेक्ट आ रही है मुझ पर एक और बेसिक सा टॉप जो कि मैंने एच एन एम से लिया था इस दिस वाइट कलर का स्ट्रैपी टॉप और ये टॉप तो सबसे ज़्यादा काम आता है तो मैं ये कैसे ना दिखाऊं तुम्हें बिकॉज इसको मैंने रिसेंटली परचेज़ किया था एच एन एम से एंड इसको तुम आराम से शर्ट्स टेन जैकेट किसी भी चीज़ के अंदर टक सॉरी uh, लेयर करके वेयर कर सकते हो एंड इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन गेट फॉर यूर सेल्फ अगर तुम लेयरिंग के लिए ले कुछ ढूंढ रहे हो एंड मुझे भी इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना जब मैं कुछ लेयरिंग करके डालती हूँ कि इसके अंदर क्या वेयर किया था तो मैं ज़्यादातर इस टाइप के टॉप ही वेयर करती हूँ सो तुम चेक कर लेना इसको मैंने साइज़ एक्सेस में ऑर्डर किया था फिटिंग एकदम परफेक्ट है इसका प्राइस वॉज थ्री नाइन्टी नाइन आई ऑल्सो गॉट दिस क्रॉप शर्ट एंड वट आई रियली लाइक अबाउट दिस शर्ट इज़ दैट इसमें यू विल गेट दिस शॉर्ट स्लीव नॉर्मली आजकल क्रॉप शर्ट्स भी आते हैं तो फुल स्लीव वाली होती है एंड वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है सो so, जब मुझे ये एच एन एम में दिखा तो मुझे तो लेना ही था इसको एंड आई जस्ट लव द फेथ ऑफ दिस शर्ट इतना कूल cool लग रहा है ना ये मैंने इसको इसी कलर में इसीलिए चूज़ किया बिकॉज मुझे वाइट और ब्लू कलर का कॉम्बो काफ़ी ज़्यादा रिच लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगता है इसके अलावा तो मैं दो नहीं दो नहीं चार पांच कलर के और भी ऑप्शन में नॉ really cool. प्राइसिंग के हिसाब से क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है इन सारे टॉप्स के अलावा आई ऑल्सो गॉट दिस वेरी ब्यूटिफुल बेबी डॉल ड्रेस एंड गाइज इसका फिट इतना ज्यादा क्यूट है जब इसको अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट पे डाला था मुझे इतनी ज्यादा क्वेरीज आई थी एंड मैं समझ सकती हूँ क्यों आई होगी बिकीज ये बहुत ज्यादा सुंदर है एंड इसका कलर इज द बेस्ट पार्ट बट ऑनलाइन अगर तुम देखोगे तो मैं इस पे येलो कलर का ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें ब्लू वाइट और ब्लैक और वाइट कलर का ऑप्शन मिल जाएगा सबसे प्यारा तो ये येलो कलर में ही लग रहा है और इसको मैंने साइज एक्सेस में ऑर्डर किया था फिटिंग एकदम परफेक्ट है इसका प्राइस हुआ नाइनटीन हंड्रेड प्राइस के अकॉर्डिंग साइज का क्वालिटी फिटिंग एंड सब कुछ बहुत ज़्यादा परफेक्ट है तो मेरे को प्राइस से कोई दिक्कत नहीं है फिट मेरे बॉडी टाइप पे काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है Last, I girl, I never knew कि मुझे ये चाहिए था एंटिल आई गॉट इट सबसे ज्यादा समर्स में क्या चाहिए तुम्हें comfort right? जस्ट गेट इट ये ट्राउजर इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता है और वाइट कलर है तो मैं इसको आराम से किसी भी चीज़ के साथ पेयर कर सकती हूँ कोई भी कलर वेयर कर लेती हूँ ना सबके साथ चला जाता है तो मैं इसको ज्यादातर मैं इसी को वेयर करती हूँ बाहर एंड and... आई जस्ट लव इट और इसका फिट इज़ रियली गुड तो इसकी जो लेंथ है ना वो मेरे पे थोड़ी सी लंबी आती है इसका मटेरियल थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहता है इसीलिए मैं इसके अंदर वाइट कलर का शॉर्ट वेयर कर लेती हूँ तो तुम भी वो कर सकते हो एंड इसका प्राइस वोज ओनली ट्वेल्व हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज़ समर्स में ट्राउजर या डेनिम लोना लो एक बेसिक वाइट कलर का ले लेना ट्राउजर जरूर ले लेना देख लेना सबसे ज्यादा काम तुम्हारे वही आएगा सो दिस आर ऑफ द थिंग्स दर आई गॉट फ्राम ईच एंड एम एंड वॉज ऑल फॉर टू डेज वीडियो आई होप यू पीपल फाउंड दिस वीडियो यूजफुल इफ यू डेट प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड येस नाउ आई एम गोइन टू सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड डेंट स्टेफ टेक केयर बाय बाय